प्रोड्यूसर मधु मंटेना और रिलायंस एंटरटेनमेंट मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कश्मीर की आखिरी महिला हिंदू शासक कोटा रानी के जीवन पर आधारित है। 14वीं सदी में कश्मीर पर शासन करने वाली कोटा रानी को बेहद खूबसूरत महिला होने के साथ ही बहुत अच्छी शासक और सैन्य रणनीतिकार माना जाता था। कोटा रानी की तुलना इजिप्त की क्लियोपेट्रा या दिल्ली की सुल्ताना रजिया से करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को ही अपने दुश्मनों के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कोटा रानी कश्मीर के राजा और लोहारा वंश के सुहादेव के कमांडर इन चीफ रामचरण की बेटी थी। रामचरण ने लद्दाख के रिंचिन को कश्मीर के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन रिंचिन ने धोखे से रामचरण को मारकर उसके पूरे परिवार को कैद कर लिया। लोगों के विद्रोह को शांत करने के लिए रिंचिन ने रामचरण के बेटे रावणचरण को लद्दाख का प्रशासक बना दिया और उसकी बहन यानी कोटा रानी से शादी कर ली। बाद में रिंचिन ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और शाहमीर को अपना वजीर बना लिया। 3 साल बाद रिंचिन की मौत हो गई, जिसके बाद कोटा रानी ने अपने बेटे को राजा बनाकर सत्ता की डोर अपने हाथ में रख ली। कोटा रानी ने भट्टबाल भिक्षीन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। कोटा रानी के इस रवैये के कारण शाहमीर नाराज हो गया और षड्यंत्र रचने लगा। जल्द ही उसे सफलता भी मिल गई और उसने भट्ट की हत्या करवा दी। शाहमीर कोटा रानी की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था, इसलिए उसने रानी की जान के बदले शादी का आदेश दिया। कोटा रानी ने शादी की बात तो मान ली, लेकिन शादी की रात उसने अपनी आंत काट कर शाहमीर को शादी का तोहफा दिया। गुस्से में आग बबूला हुआ शाहमीर ने कोटा रानी के पूरे परिवार की हत्या करवा दी।